Now, starting with the sixth part here, it says diagrammatically show the difference between the three types of muscle fiber. अब पता है हमें तीन टाइप ऑफ मसल फाइबर है, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेड मसल्स की, तो स्ट्रेटेड मसल्स में आपको स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड किसको हम बोलते हैं? उन उन वालों को बोलेंगे फाइबर्स को जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर है, ट्यूब की जैसा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, इफ आई टेल यू, ठीक है। और दूसरी बात, ये वॉलेंट्री भी होते हैं। वॉलेंट्री मतलब जो अपने हिसाब से काम करें। अब जैसे हमारे पास दूसरा है कौन सा? स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर, इनको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड। जैसे पहले वाला स्ट्रेटेड था ना, इनको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड। दूसरी बात, इनको हम बोलते हैं शेप वाइज स्पिंडल। जैसे हमने उसको ट्यूबुलर लिखा है, इनको बोलते हैं स्पिंडल शेप। तीसरी बात, इनको हम बोलेंगे यूनिन्यूक्लियर, क्योंकि एक सेल में आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर सेल को हम एक सेल बोलेंगे, और इसमें एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए यूनिन्यूक्लियर इसको बोलते हैं। दूसरी बात, ये होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री। पहला वाला क्या था? वॉलेंट्री। अब आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट में। और इसके क्या है? इसका भी स्ट्रेटेड है, ठीक है, जैसे पहला वाला था स्ट्रेटेड। दूसरी बात, इसमें ब्रांचिंग भी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। अब इसको हम यूनिन्यूक्लियेट ही बोलेंगे, क्योंकि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यूनिन्यूक्लियेट, ठीक है। यूनिन्यूक्लियेट हो गया, ब्रांच हो गया, स्ट्रेटेड हो गया। और दूसरी तीसरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री, ठीक है। सो दैट वुड बी देयर एज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स।